से बाराबंकी की खबर। नव भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने जिला कार्यालय का किया उद्घाटन। नव भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला अपने लाओ लश्कर के साथ बाराबंकी पहुंचे, जहां जिला अध्यक्ष शोएब राय की अगुवाई में संगठन के सैकड़ों पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उनका फूलमालाओं से लादकर भव्य स्वागत किया। निर्मल शुक्ला यहां नव भारतीय किसान संगठन के जिला कार्यालय ईदगाह पीर बटावन कैंप कार्यालय पीर बटावन निकट गौसिया मस्जिद का उद्घाटन किया व कई अन्य दलों को छोड़कर नव भारतीय किसान संगठन की विचारधारा से प्रभावित होकर अनीस फतेहपुरी साहब संगठन में शामिल हुए। नवनियुक्त प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों को मनोनयन पत्र देने व उनका संगठन में स्वागत करने आए हुए राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला, उन्होंने किसानों की ज्वलंत समस्याओं पर विचार विमर्श करने के साथ ही समीक्षा बैठक भी की, जिसमें किसानों की लड़ाई को किस तरह से और धारदार कर मजबूती प्रदान की जाए, जिससे इस गूंगी बहरी सरकार के कानों तक किसानों मजदूरों व आमजन की आवाज को पहुंचाया जा सके, इस पर भी विस्तृत चर्चा की गई। उन्होंने इसे बड़ी चिंता का विषय बताया कि कैंप कार्यालय के सामने एक जर्जर बिल्डिंग है जो लोगों के लिए बड़ा खतरा बन सकती है, लेकिन बाराबंकी के सुस्त प्रशासन लिखित ज्ञापन देने के बावजूद भी जिला प्रशासन की निगाह दौड़ नहीं जाती है। यहाँ के जिलाधिकारी उप जिलाधिकारी नगर पालिका के अधिकारी सब आंखें बंद कर बैठे हैं। उन्होंने सरकार को किसानों की अनदेखी के लिए आड़े हाथों लेते हुए कहा कि पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता के मद में ये भूल गई है कि किसानों ने उसे चुन के भेजा है। वही किसान आने वाले चुनाव में सरकार से हिसाब किताब चुकता करने के लिए किसान तैयार बैठा है। इस अवसर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्मल शुक्ला ने अनीस फतेहपुरी को प्रदेश अध्यक्ष पूर्वी के पद पर नियुक्त किया, जो अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ नव भारतीय किसान संगठन में शामिल हुए हैं। सिटी टीवी 24 न्यूज चैनल के उप संपादक ऑल इंडिया सुनील चौरसिया की खास खबर।